हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज इस लेक्चर में मैं आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगी। इस पूरे लेक्चर में सबसे पहले कुछ पार्ट्स में ये लेक्चर रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म होती है उसके लिए कौन सी प्रोटीन जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जब हम 11th में एक चैप्टर पढ़ते हैं, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो वहां पर हम मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। मसल्स के बारे में सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फीचर्स जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मसल्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो हेयर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ मसल। सबसे पहले मसल जो है ये आपके पास मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होती है। अब देखिए, आपने कनेक्टिव टिश्यू जो है वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, मसल्स, बोन, ये सब चीज़ें हम पढ़ के आते हैं वहाँ पे। जो मसल्स है हमारा एक टिश्यू है, उसके बारे में हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, 11th क्लास के अंदर। बट यहाँ पर जब आप सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मैं आपको मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ, हेयर यू कैन सी इजिली दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। तो देखिए, जब हमने मसल का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा तो हमारे पास क्या क्या आया। सबसे पहले मसल जो है वो एक पूरा टिश्यू है। तो यहाँ पर आप इसका TS सेक्शन में देख सकते हो, मसल का TS सेक्शन दिखाया गया है, जिसको सबसे पहले बाहर की आउटर लेयर जो है जो कवर कर रही है, दैट इज़ योर एपिमाइसियम। एपिमाइसियम क्या है? यहाँ पर शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू की एक शीथ होती है जो इस पूरे मसल बंडल को, मसल को क्या करके रखती है, कवर करके रखती है। अब अगर आप मसल में एपिमाइसियम की तरफ, एपिमाइसियम से अंदर की तरफ देखते हो तो आपको ये कुछ बंडल्स दिखाई देते हैं। ये बंडल्स जो हैं, इन बंडल्स को हम बोलते हैं मसल बंडल। और इनको हम और क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं फैसिकुलम। सिंगल को हम फैसिकुलम कहते हैं, और जब बहुत सारी बंडल को आप एक साथ काउंट करते हो तो हम उनको फैसिक्यूलाई बोल देते हैं। बट जो शीथ होती है फैसिकुलम के अराउंड, उसको आप बोलते हो पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम बेसिकली क्या है? इट इज़ अ शीथ अराउंड फैसिकुलम। अब आप उसके भी अंदर चलोगे तो देखोगे कि यहाँ पर आपको कुछ मायोफाइब्रिल जैसी चीज़ें, मायोफाइबर जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, विच इज़ हाईलाइटेड विद स्काई ब्लू कलर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, ये है आपके पास मसल फाइबर। मसल फाइबर बेसिकली क्या है? मायोसाइट, जो कि मसल की एक यूनिट होती है, मसल की सेल होती है, उसको हम मायोसाइट या फिर मसल फाइबर बोल देते हैं। मसल फाइबर के अंदर आप ये डॉट वाली स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मसल था जो कि मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है, और ये आपकी एक शीत से कवर है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको एपिमाइजियम बोलते हैं। उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, मसल फैसिकुलम मिल जाता है। सिंगल बंडल को आप मसल फैसिकुलम बोल देते हो, और उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, मसल फाइबर मिलते हैं। मसल फाइबर की अगर मैं बात करूं तो मसल बंडल जो होते हैं वो कवर होते हैं पेरीमाइसियम से। उसके बाद मसल फाइबर, जो मसल की सेल होती है, जिसको मायोफाइबर बोलते हैं, स्काई ब्लू कलर में आप देख रहे हो, ये होते हैं मसल फाइबर, और इनके अंदर आपको मिल जाते हैं मायोफिलामेंट। अब मायोफिलामेंट की अगर हम बात करें तो मायोफिलामेंट दो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ये वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें आपको डार्क और लाइट बैंड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक मसल बंडल और दूसरा मसल बंडल, ये पूरी मसल थी। इन मसल बंडल के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है, इसको आप बोलते हो फेशिया, दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन मसल बंडल, ठीक है। उसके अलावा आपको ब्लड वेसल्स और कुछ नर्व्स भी दिखाई दे जाएंगी। मायोफिलामेंट जो है ये अंदर डॉट वाली स्ट्रक्चर है, जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब देखिए, इन मसल सेल के बीच में, जिसको मैं मसल सेल बोल सकती हूँ, इसको मैं मायोफाइबर बोल सकती हूँ, इसको मैं मसल फाइबर बोल सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह मायोफिलामेंट को मैं मायोफाइब्रिल्स भी बोल सकती हूँ। तो एक मसल है, मसल के अंदर मसल फैसिकुलम है, मसल फैसिकुलम के अंदर मसल फाइबर्स हैं जिनको हम मायोसाइट बोलते हैं, और इन्हीं मसल फाइबर के अंदर आपको मायोफिलामेंट्स मिल जाते हैं जिनको हम मायोफाइब्रिल्स भी बोलते हैं। इन्हीं मायोफाइब्रिल्स पर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं जो कि आपकी सार्कोमियर की यूनिट्स को बनाते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आई होप आपको इतना ही चीज़ समझ में आ गई होंगी। दो मसल बंडल को कनेक्ट करने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू पिंकिश कलर में आप यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज योर फेशिया, विच इज अ कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन मसल बंडल, ठीक है। अब सबसे पहले हम मायोफिलामेंट में जो लाइट, जो डॉट दिखाई दे रहे हैं मायोफिलामेंट, इसमें लाइट और डार्क बैंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो किससे बनती है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसको बनाने वाली दो प्रोटीन होती हैं, एक्टिन और मायोसिन। इनको आप कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी बोलते हो, और इन दोनों के बीच में आपस में इंट्रैक्शन रहता है, राइट। अब देखिए, पहले थोड़ा सा मैं मसल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता देती हूँ। लोकोमोशन और मूवमेंट वाले चैप्टर में आप मसल और बोन के बारे में पढ़ते हो, तो हमारी जो मसल होती है मायोसाइट्स की बनी हुई होती है। हमारी बॉडी के अंदर 639 मसल्स होती हैं, और अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसके पास कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल,
कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, दे कैन एक्साइट ऑल्सो, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, ये आपके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी रखती हैं, एंड दे कैन इवन एक्सटेंड ऑल्सो, एक्सटेंसिबिलिटी भी इनके अंदर आपको मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब आप बात करते हैं एक्टिन और मायोसिन की। तो देखिए, एक्टिन जो है दैट इज़ योर थिन मायोफिलामेंट्स, मतलब हमारे पास पूरी सार्कोमियर यूनिट में हम दो तरह के फिलामेंट की बात करेंगे, एक होगा थिन मायोफिलामेंट और एक होगा थिक मायोफिलामेंट। थिक मायोफिलामेंट मायोसिन को बोलते हैं और थिन मायोफिलामेंट एक्टिन को बोलते हैं। अब हम फर्दर एक्टिन की बात करते हैं, तो एक्टिन आपके पास तीन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ये तीन प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? एक होती है ट्रोपोनिन, एक होती है ट्रोपोमायोसिन और एक होती है एफ एक्टिन। ध्यान से सुन लीजिए, एक होती है एफ एक्टिन, एक होती है ट्रोपोमायोसिन और एक होती है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है ये एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है, मतलब ये फिर से तीन सब यूनिट से बनी हुई है। एक है टीपीटी, एक है टीपीसी, एक है टीपीआई। टीपीटी का क्या मतलब है? यहाँ पर एक ऐसी यूनिट ट्रोपोनिन की जो ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ती है, ठीक है। टीपीसी का क्या मतलब है? यहाँ पर एक ऐसी यूनिट ट्रोपोनिन की जो कैल्शियम के साथ बाइंड करती है। और टीपीआई का क्या मतलब है? इनहिबिटर ट्रोपोनिन, यानी एक ऐसी ट्रोपोनिन जो जिसका काम क्या है, इनहिबिशन का काम है। इनके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे जब हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, एक्टिन थिन मायोफिलामेंट से बना हुआ है और थिन है, तो ये यहाँ पर फर्दर तीन यूनिट से बना है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एफ एक्टिन। एंड ट्रोपोनिन जो है वो फर्दर थ्री सब यूनिट से बनी हुई है, टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं फर्दर एक्टिन की, तो एक्टिन जो है वो आपको कहाँ मिल जाता है? ए एंड आई बैंड में मिल जाता है। दोनों ही बैंड्स में आपको क्या मिल जाता है? एक्टिन मिल जाता है, ठीक है। सार्कोमियर यूनिट में नंबर में ज़्यादा होते हैं अगर हम बात करें एक्टिन की, इन कंपैरिजन टू मायोसिन, जो एक्टिन है वो नंबर में ज़्यादा होते हैं। और अगर आप जब सार्कोमियर यूनिट देखोगे तो हम देखते हैं कि जो हमारे एक्टिन फिलामेंट्स हैं, मायोफिलामेंट्स हैं, वो एक जेड लाइन से जुड़े हुए होते हैं एक साइड से, और एक साइड पर वो फ्री होते हैं, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, जब मैं सार्कोमियर पढ़ाऊंगी तब सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा जो हमारे एक्टिन मायोफिलामेंट होते हैं ये क्रॉस ब्रिज नहीं बनाते हैं, इसलिए इनका सरफेस कैसा होता है? स्मूथ होता है। सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो एक्टिन मायोफिलामेंट जो होते हैं ये हमारे क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं बेसिकली ओवर द मायोसिन बैंड, या फिर हम बोल सकते हैं एच जोन को ये छोटा कर देते हैं, जिसको हम हेंशन जोन बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर। एक्टिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, वहीं जब हम बात, ग्लोबुलर का मतलब होता है सर्कुलर प्रोटीन है, वहीं जब हम बात करते हैं मायोसिन की, तो मायोसिन फर्स्ट ऑफ ऑल थिक मायोफिलामेंट है एंड ये आपकी दो सब यूनिट प्रोटीन से बना हुआ होता है। मीरोमायोसिन इसकी मेन मोनोमेरिक प्रोटीन होती है, और जब बहुत सारे 300 से 400 मीरोमायोसिन जुड़ जाते हैं तब जाकर के आपके पास क्या बनता है? एक मायोसिन बनता है। लाइट मीरोमायोसिन एंड हैवी मीरोमायोसिन, ये दोनों इसकी सब यूनिट्स होती हैं। अब जब आप सार्कोमियर की बात करोगे तो मायोसिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए बैंड में ही मिलता है, ये आपको आई बैंड में नहीं विजिबल होगा, ए बैंड में मिलेगा, और ए बैंड टोटली मायोसिन का बना हुआ होता है। अगर हम बात करते हैं इसके नंबर की, तो इसका अमाउंट जो होता है वो मायोसिन फिलामेंट से क्या होता है? कम होता है, फ्यूअर देन एक्टिन, सॉरी एक्टिन फिलामेंट से क्या होता है? कम होता है। अगर हम इसमें दोनों साइड्स इसकी देखते हैं तो ये दोनों ही साइड से फ्री होता है, फ्री फ्रॉम बोथ एंड्स। क्रॉस ब्रिजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं जो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इसका सरफेस क्या होता है? रफ होता है, दे डू नॉट हैव एनी स्मूथ सरफेस। सेकेंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखनी है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर मायोसिन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, हमेशा एक्टिन ही जो है वो हमेशा स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर, ठीक है। इन दोनों की स्ट्रक्चर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, अभी मैं थोड़ा सा आपको सार्कोमियर के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मैंने कहा कि मायोफिलामेंट दो तरह के हैं, एक्टिन और मायोसिन। यही एक्टिन और मायोसिन लाइट एंड डार्क बैंड्स बनाते हैं। लाइट बैंड बनता है आपके पास जो एक्टिन मायोफिलामेंट है उससे, और डार्क बैंड बनता है एक्टिन, सॉरी मायोसिन प्लस एक्टिन दोनों ही मिलाकर के डार्क बैंड्स बनाते हैं। ये सार्कोमियर यूनिट है। सार्कोमियर यूनिट क्या है? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल्स। याद रखना, मायोफिलामेंट की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सार्कोमियर होती है। अब एक सार्कोमियर की अगर हम बात करें तो नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द सार्कोमियर, सार्कोमियर आपका हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड से बनता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए,
ये पूरा एक आई बैंड है जो मैंने ब्राउन में मेंशन किया है, ये पूरा आई बैंड है, दोनों साइड आई बैंड है। आई बैंड के सेंटर से एक लाइन होकर के जा रही है जिसको आप जेंशन लाइन, जिसको आप जेड लाइन बोल देते हो, ये हमारी क्या है, जेड लाइन है, ठीक है। उसके बाद आप ये ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये हमारे पास क्या है, मायोसिन के फिलामेंट हैं, और ये मायोसिन के फिलामेंट के वो वाला एरिया जहाँ पर एक्टिन ख़त्म हो रहा है, आई बैंड ख़त्म हो रहा है और सिर्फ मायोसिन के बैंड हैं, उस चीज़ को, उस जोन को हम बोलते हैं एच जोन। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ योर हेंशन जोन, यहाँ पर एक्टिन को आप कंसिडर नहीं करोगे। अब एच जोन के सेंटर में से एक लाइन होकर के जाती है जिसको हम बोलते हैं एम लाइन। दोबारा सुन लीजिए, Z लाइन कहाँ पर होती है, इन द सेंटर ऑफ आई बैंड। M लाइन कहाँ पर है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एच जोन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मायोसिन फिलामेंट के बीच में प्रेजेंट होती है। A बैंड में क्या है, A बैंड कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। अब देखिए Z लाइन की अगर आप बात करोगे तो Z लाइन में आपके पास आई बैंड, आई बैंड क्या है, सिर्फ ओनली एक्टिन का बना हुआ है। ए बैंड क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मायोसिन को आप कंसिडर करोगे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सार्कोमियर क्या है, तो सार्कोमियर में आपने किस चीज़ को इंक्लूड किया है, आपने इसमें इंक्लूड किया है, ये देखिए हाफ आई बैंड इधर वाला, फिर पूरा ए बैंड एंड फिर से हाफ आई बैंड, दोबारा हाफ आई बैंड, पूरा ए बैंड एंड देन हाफ आई बैंड। इसमें आप ऐसे मत कर देना हाफ आई बैंड प्लस हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड, ऐसे नहीं होगा, हमेशा ऐसा होगा हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, दिस इज योर सार्कोमियर यूनिट। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये जेड लाइन क्या आ जाती है, पास आ जाती है, एच जोन छोटा हो जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम डिफरेंस थोड़े बाद टाइम बाद देखेंगे विद, आगे हम और देखते हैं कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की। तो सार्कोमियर में अभी हमें कॉन्ट्रैक्शन भी देखना है, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। आई होप आपको भी सार्कोमियर की स्ट्रक्चर समझ में आई होगी कि ये कैसे बना होता है, एक्टिन फिलामेंट का बना हुआ है, मायोसिन फिलामेंट का बना हुआ है, डिफरेंस दोनों के बीच में समझ आए होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स आपको आई होप समझ में आई होगी, कौन कौन सी लेयर होती है, कैसे होता है, तो आगे मैकेनिज्म भी मैं आपको समझाऊंगी। अगर आप मेरे साथ और वीडियोस जैसे चाहते हो ऑनलाइन, तो अभी मैंने एक ग्रोइंग इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशंस किया है जिसमें हम बात कर सकते हैं, एक एकेडमी है दैट इज़ योर आनंद एकेडमी। तो अगर आप चाहो तो मैं वहाँ पर एज अ बायोलॉजी ट्यूटर हूँ, तो अगर आप चाहते हो तो आप, अभी हमारा नया फर्स्ट बैच ज्वाइन जो स्टार्ट होने वाला है सेप्टेम्बर में ही, तो अगर आपको वहाँ पर ज्वाइन करना है, एडमिशन लेना है, तो मैं आपको इस वीडियो में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, वहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब मैं कोशिश करूंगी, वहाँ पे एकेडमी में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही तरह से पढ़ाया जाता है नीट के लिए, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। दिल्ली में मैं बात कर रही हूँ, जनकपुरी में। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं, हमारा नया जो बैच है वो लॉन्च होने जा रहा है। तो बाकी की फर्दर जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और अभी मैं इस चैप्टर के वन शॉट नोट्स भी आपको अपनी मॉड्यूल फॉर्मेट में वहां पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा, नीट की बहुत ही अच्छे से स्टडी तैयारी हो जाएगी आपकी, वन हैंड नोट्स होंगे आपके पास, वन टू वन इंट्रैक्शन होगा। तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सकता है आप ज्वाइन कर लीजिए उसको। मेरे सारे नोट्स आपको बायोलॉजी के पूरे बहुत सिंपल वे में जो आपको समझ आ जाए वो वहाँ पर प्रोवाइड होंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कीप ग्रोइंग ऑलवेज। थैंक यू।